हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लेखपाल आईटी सहायक एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने यहाँ पर लेखपाल आईटी सहायक के 6570 खाली पदों को भरने के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS ने कुछ दिनों पहले लेखपाल अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के 6570 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। सिलेक्शन आपका यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। डेट की अगर बात करें तो इस भर्ती के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म 10 मई 2024 से 9 जून 2024 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। अब यहां पर आपका एग्जाम इस भर्ती के लिए 3 जुलाई 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है और आप अपने एडमिट कार्ड 1 जुलाई 2024 से सुबह 11 बजे से डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर बिहार लेखपाल आईटी सहायक एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी का ये पोर्टल खुलेगा, या फिर गाइड आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करें bgsys.onlineregistrationforms.com और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर 1 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में या फिर किसी भी सेक्शन में, यहाँ पर एग्जाम डिटेल सेक्शन में आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। या फिर गाइज आप लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आकर आपको अपनी लॉगिन डिटेल फिल करनी होगी, आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर है या फिर अपना फोन नंबर या फिर कैंडिडेट आईडी, वो आईडी जो आपको फॉर्म फिल करते समय प्रोवाइड कराई गई थी, और आपको अपना पासवर्ड यहां पर एंटर करना होगा। आई एम नॉट ए रोबोट इस कैप्चा कोड को ओके करना है और फिर आपको लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम्स की डेट भी आप लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हो, आपको आपकी एग्जाम की डेट यहां पर शो करा दी जाएगी। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो आपको आपके एग्जाम की डेट भी यहीं पर शो करा दी जाएगी, जो कि 3 जुलाई 2024 है। 3 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किस डेट को किस वेन्यू पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो। सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है, उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। गाइज, आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर एक वैलिड फोटो युक्त पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, बिना इनके एग्जामिनर आपको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी यानी कि बिहार लेखपाल अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के 6570 खाली पदों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।